सुपर हिट है सायर जी, सुपर हिट है, लिख लीजिए आप। अरे नहीं, पहले बाकी की कहानी तो लिख लेने दो, उसके बाद फिल्म की किस्मत लिखना। जेरी, यहां तक तो फिल्म का फ्लो ठीक ठाक है, इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? सर, आसमान में रहने वाले एक भाई की जिंदगी की झलक हमने देख ली, फिर वो निकल पड़ा अपने जुड़वा भाई की तलाश में। यहां से असली फिल्म शुरू होती है साहिर जी। एंड दिस सर्च शुड बी द सोल ऑफ अ फिल्म, क्योंकि हर इंसान को जिंदगी में किसी ना किसी चीज की खोज है। किसी को नाम की खोज है, किसी को मुकाम की खोज है, किसी को खोज है दौलत और शौहरत की, और किसी को खोज है आराम के चंद लम्हों की। यू नो हमी को ये जो खोज का सफर है, इसे अगर हम इंटरेस्टिंग बना सकेंगे तो फिल्म में मजा आएगा, वरना दो भाइयों के मिलने बिछड़ने की कहानी में नयापन क्या है? सर, लॉकेट, लॉकेट का आइडिया नया है साहिर जी? वेरी ओरिजिनल, वेरी ओरिजिनल। बचपन से दोनों भाइयों के गले में छोटा सा रिमोट जैसा लॉकेट है, और एक भाई उसे छूता है तो दूसरे के गले के लॉकेट में बीप बीप होता है। जी हाँ, यस सर, थोड़ा टेक्नोलॉजी का फील रखा है। ओह गुड गुड, क्या है, क्लाइमेक्स में उस बीप 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 आवाज के सहारे दोनों एक दूसरे को ढूंढते हैं सर। बीप बीप, लोग इसमें यकीन करेंगे? ऑफ कोर्स, पक्का यकीन करेंगे सर। मुझे तुम्हारे कॉन्फिडेंस की दाद देनी होगी, तुम्हारी हिम्मत की भी। इतनी सारी सिक्योरिटी, ये क्या नई कंट्रोवर्सी है सर? कोई कंट्रोवर्सी नहीं है यार, हर कामयाब आदमी की तरह इस चमक धमक की कीमत चुका रहा हूँ बस। मेरी लास्ट पिक्चर देखे, कुछ पॉलिटिशियंस ने अपने आस्तीन चढ़ा लिए और हम पर चढ़ बैठे, कहने लगे उसमें हमने एक कौम की तरफदारी की है और उनकी कौम को नजरअंदाज कर दिया। सो आई ऑल्सो टुक अ स्टैंड, आई सेड नो, पिक्चर देखो, बताओ इसमें कोई गलती है क्या? किसी के पास कोई जवाब नहीं था, एक पॉलिटिशियन तो मुझे बताने लगा, इसायर साहब हम जादूगर जैसे हैं, जैसे खाली टोपी से वो चीजें निकालते हैं, हम प्रॉब्लम्स निकालते हैं। तो इस बार मैं बलि का बकरा बन गया, इंटेलिजेंस ने कहा जान को खतरा हो सकता है, तो ये खातिरदारी शुरू हो गई। नाउ आई एम द ओनली मूवी स्टार हु हैज गॉट मोर मेन अराउंड हिम देन वुमेन। या वैसे ही जुड़वा भाई मिलने का वाले गांव में, इसलिए तो एक भाई मंगल से है तो दूसरा भाई किसी देहात से, तभी तो फिल्म का टाइटल रखा है आसमान का फरिश्ता खून का रिश्ता।